लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। साल 2023 लगे हुए कुछ ही घंटे हुए कि पहले ही महीने और पहले ही दिन की सुबह सवेरे खूनी खेल का मंजर आज नागपुर में देखा गया। पुरानी रंजिश के चलते पांचपौली थाना क्षेत्र के अशोक नगर में ऑल्टो कार से आए हुए आरोपी शुभम डोगरे, मनोज गुप्ता, जॉकी विश्वकर्मा और उसके दो साथियों ने धारदार हथियार से राजेश मेशराम नामक युवक की सरेआम हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना रविवार की सुबह 9:40 पर हुई। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। बता दें कि हत्या की साजिश आरोपियों ने पहले से ही रची थी। सुबह सवेरे सभी आरोपी अपनी कार से राजेश के समता नगर स्थित घर गए। वो नहीं मिला तो उसकी भाभी को आरोपियों ने धमकी देकर उसे ढूंढने निकले। हथियारों को राजेश खर्रा लेने पांचपावली के अशोक नगर पांठेले पे जाने की जानकारी मिलने के बाद वो सभी वहां पहुंच गए। पांठेले पर राजेश के नजर आते ही सभी हत्यारे कार में रखी हुई तलवार निकाल कर उस पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने ताबड़तोड़ हथियारों से राजेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपनी मौत सामने आते ही देख राजेश हथियारों के चंगुल से बचकर भागने लगा। राजेश बाजू के एक मकान के गेट पर से छलांग लगाकर उस घर की छत पर बेहोश गिर गया। जानकारी मिलने के बाद पांचपौली पुलिस और राजेश के करीबी वारदात की जगह पहुंचे और उसे एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने राजेश को मृत घोषित कर दिया। 2023 का साल का पहला दिन और पहले महीने में आज सुबह यहां पर 9:30 एक व्यक्ति की हत्या की गई। उसका नाम है राजेश मेशराम, बताया जा रहा है। उसका पीछा जेरीपट का हाथ से उसका पीछा करते करते आए और पीछा करने के बाद इसी पांठेली के पास में उसको रोक कर यहां पर उसकी तलवारों से उसकी हत्या की गई। और हत्या करने के बाद में आरोपी यहां से फरार हो गया और मृतक जो है अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागते हुए सीधा निकला, एक बिल्डिंग के ऊपर गया और उस बिल्डिंग के पास में जाके वो दम तोड़ दिया। गेट है, गेट के ऊपर से छलांग मार के ऊपर गया, जिसके पूरे उस जगह पर उसका पूरा ब्लड लगा हुआ। आइए हम वहाँ लेके चलते, आपको बताते किस तरीके से वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ तक भागा। राजेश मेशराम जो मृतक है, जो अपने आप को बचाने के लिए इस घर में दौड़ा और अपने आप को बचा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ से वो छत तक पे गया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो बच नहीं पाया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक राजेश मेशराम छावनी में चाय की दुकान चलाता था। राजेश के परिवार में माँ, बड़ा भाई और भाभी है। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है। राजेश और हत्यारे एक ही बस्ती में रहते थे। राजेश का शुभम और मनोज के साथ कई दिनों से विवाद चल रहा था। इसके चलते उनकी आपस में कई बार लड़ाई भी हुई, जिसमें शुभम और मनोज ने राजेश के साथ मारपीट भी की थी। इन सब से तंग आकर राजेश ने भी शुभम और मनोज को तबीयत से एक बार धो डाला। विवाद आगे ना बढ़े इसलिए कुछ लोगों ने मध्यस्थता कर तीनों का समझौता करवाने की भी कोशिश की, परंतु ऐसा नहीं हुआ। शुभम और मनोज को अपने घर पर किए हुए हमले का बदला राजेश से लेना ही था। इसके बाद हत्या हुई। इस वारदात में 5 हत्यारों का समावेश था। पुलिस ने आरोपी शुभम डोगरे, मनोज गुप्ता, जॉकी विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक का नाम राजेश मेशराम है और वो कपिल नगर थाना अंतर्गत उपलवाड़ी यहाँ का रहने वाला है। उसकी चाय की टपरी है, छावनी चौक पुलिस स्टेशन सदर अंतर्गत आता है, वो वहाँ पर चाय की टपरी है। वो आज तकरीबन 9:30-10 के करीब वैशाली नगर रोड से वो खर्रा का खाने एक पांठेले पर रुका था। तभी जो अपराधी है वो एक अल्टो कार में आए और उन्होंने अचानक उतरकर उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसका हमला उस पर हमला होने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। आरोपी भी सारे कपिल नगर थाना अंतर्गत समता नगर इधर के ही रहने वाले, ऐसी प्राथमिक जानकारी हमको मिली है। हम आरोपी के पीछे है, आरोपी जल्द हम अरेस्ट कर लेंगे। और मृतक
का एग्जैक्टली क्या उनके साथ झगड़ा था और किस कारणवश उन्होंने ये अपराध किया है, ये उनको अरेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा। दो दिन पहले मृतक और अपराधी इनका चाय की टपरी पे कुछ बात को लेकर अनबन हो गई थी या झगड़ा हो गया था, ऐसी प्राथमिक जानकारी हमारे पास आई है, लेकिन एग्जैक्टली किस बात को लेकर हुआ था ये अभी तक हमको पता नहीं चला है। मृतक की उम्र 25 साल है। इस बारे में हम ज़्यादा तफ्तीश कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ जानकारी मिले तो हम आपसे शेयर करेंगे। नहीं, आरोपी अभी अरेस्ट नहीं है, वो भाग गए, लेकिन हम जल्दी ही आरोपी को अरेस्ट कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस, इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3,050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2,000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।